नमस्ते, मैं रजत हूं और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप का स्पेशल सेगमेंट पड़ताल। सोशल मीडिया पर एक महिला से मारपीट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दो लोग एक महिला से मारपीट कर रहे हैं और एक लड़की को जबरन साथ ले जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो पाकिस्तान का है, जहां हिंदू महिलाओं को जबरन उठाकर ले जाया जा रहा है। फेसबुक पर योगेश यादव नाम के यूजर ने वायरल वीडियो को पोस्ट करते हुए दावा किया, हम इस दावे को बिना किसी भाषाई सुधार से आपको बता रहे हैं। दावा है, पाकिस्तान में हिंदू महिलाओं को उनके बच्चों के सामने मां बहनों को जबरदस्ती उठाकर ले जाया जाता है। सभी हिंदू इसे शेयर करें ताकि दुनिया को और उन हिंदुओं को पता लग सके जो NRC और CAA का विरोध कर रहे हैं और कांग्रेस का साथ दे रहे हैं। इस वीडियो की पड़ताल में ये दावा झूठा पाया गया। इंडिया टुडे की एंटी फेक न्यूज वॉर रूम ने अपनी पड़ताल में पाया कि ये वीडियो पाकिस्तान का नहीं बल्कि राजस्थान के जोधपुर का है। वायरल वीडियो की सच्चाई जानने के लिए इनवी टूल की मदद से वीडियो को रिवर्स सर्च किया गया। रिवर्स सर्च करने पर कुछ कीवर्ड्स डालने पर हमें वायरल वीडियो के साथ DNA की खबर मिली, जो 25 सितंबर 2017 को पब्लिश की गई थी। इस खबर के मुताबिक नाबालिग लड़की के अपहरण और उसकी मां से मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद राजस्थान में पुलिस द्वारा दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अहमद खान नाम के शख्स ने अपनी नाबालिग बेटी की शादी शौकत खान से करवा दी थी। लड़की की मां चाहती थी कि 18 साल पूरा होने के बाद ही लड़की शौकत के साथ जाए, लेकिन 11 सितंबर 2017 को शौकत लड़की के घर पहुंचकर उसे जबरन ले जाने लगा। उसकी मां के रोकने पर शौकत और उसके दोस्त ने उनसे मारपीट की। उसी दौरान ये वायरल वीडियो शूट किया गया था। राजस्थान पत्रिका ने भी लड़की के अपहरण और उसकी मां से मारपीट की खबर 24 सितंबर 2017 को प्रकाशित की थी। हालांकि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे अत्याचार पर अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के हवाले से खबरें आती रहती हैं। जुलाई 2019 में पाकिस्तान में दो नाबालिग बहनों का एक मामला काफी चर्चित हुआ था। ABC न्यूज की खबर के मुताबिक उनका अपहरण करके धर्म परिवर्तन करवाया गया था और दो शादीशुदा पुरुषों से उनकी शादी करा दी गई थी। हाल ही में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक डेंटल कॉलेज की छात्रा अमृता चंदानी के हॉस्टल में मृत पाए जाने का मामला भी सामने आया था। इकोनॉमिक टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक बाद में पता चला था कि उसके साथ रेप हुआ था और फिर उसकी हत्या की गई थी। कुल मिलाकर हमारी पड़ताल में नतीजा यह निकला कि जिस वीडियो को पाकिस्तान का बताया जा रहा है वो पाकिस्तान का नहीं है, राजस्थान के जोधपुर का है। अगर आपको भी किसी खबर पर शक हो तो आप हमें लिख सकते हैं। हमारा पता है padtalmail@gmail.com। हम उस दावे की पड़ताल करेंगे और आप तक सच्चाई पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए दी ललन टॉप.com। शुक्रिया।